Hello, friends. Welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you chapter number 11 Light, Shadows and Reflection of Science, standard 6th. We see so many objects around us, colorful and different. If you look around, योर सेल्फ देन यू मे फाइंड वेराइटी ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स दे आर कलरफुल सम ऑफ देम आर ब्यूटिफुल सम ऑफ देम वुड भी डिफरेंट इन कलर सो हम बहुत सारी चीज़ें आस पास देखते हैं राइट बट हाउ वी कैन सी दैट थिंक ऑफ द सेम प्लेसिज एट नाइट टाइम इफ इट वर कम्प्लीटली डार्क अब आप सोचो कि सेम प्लेस है और वहाँ पर आप खड़े हो बट इट्स कम्प्लीटली डार्क पूरा अंधेरा है नाव वुड यू बी एबल टू सी दोज ऑब्जेक्ट्स क्या आपको वो ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे कलरफुल है या नहीं क्यों कौन से कलर के या है या नहीं इज इट पॉसिबल टू सी इट या आप देख सकते हो क्या आंसर इज सिंपली नो इट्स नॉट विजिबल उसमें से एक भी ऑब्जेक्ट अगर कम्प्लीटली डार्कनेस है तो विजिबल नहीं होगी वाई इट इज़ जो विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अब लाइट नहीं है तो हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते इट मीन्स देर मस्ट बी एनी सोर्स ऑफ लाइट इधर इट कैन बी अ नेचुरल सोर्स और इट कैन बी एन आर्टिफिशियल सोर्स लाइक लाइट लैम्प एट्सट्रा द टोर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ऑन अगर आप टोर्च बल्ब जो है वो ऑन करोगे तो उसमें से लाइट जो है ना वो एमिट होती है वो अपनी खुद की लाइट देता है द सन इज़ अनदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिवस इट्स ऑन लाइट अब सन जो है ना वो दूसरा ऐसा फेमिलियर ऑब्जेक्ट है जो खुद की लाइट देता है सो वी कैन से देट बोथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स हैव देयर ओन सोर्स ऑफ लाइट ये दोनों अपने आप में से खुद से लाइट एमिट करते हैं सो ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन देट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ऑन आर कोल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अब जो ऑब्जेक्ट्स हमें खुद लाइट देते हैं उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं अनदर वन इज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ऑन आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अब जो ऑब्जेक्ट्स खुद से लाइट एमिट नहीं करते हैं उसको हम नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं एंड टू सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वी नीड द सोर्स ऑफ लाइट अगर उनको देखना है तो लाइट जो है उसकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर एज वेल जब क्लासीफाई किया था सब्सटेंस को तब हमने ये ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस जो है वो डिस्कस किया था नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट ऑपिक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट यू नो द डेफिनेशन ऑफ दिस बिकॉज ये आपके प्रीवियस चैप्टर के अंदर आ चुका है बट लेट्स लुक If you look at this picture, आप ये picture अगर देखोगे then you might be able to see यहाँ से completely दिख रहा है यहाँ से partially कुछ object जो behind है वो दिखता है and यहाँ पे object जो है वो इस material के पीछे अगर आप रखोगे then it's not visible at all. So according to that we can classify any material into the transparent, opaque and translucent. So let's discuss. If we cannot see the object एट ऑल इट इज एन ऑपेक ऑब्जेक्ट अगर एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बिल्कुल ही नहीं देख सकते तो उसको हम ऑपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं लाइक दिस वन इज ऑपेक ऑब्जेक्ट इसके पीछे जो हैंड है वो हमें कंप्लीटली दिख ही नहीं रहा है दैट्स वाई इट इज एन ऑपेक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी आर एबल टू सी क्लियरली इट इज अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू इट इट इज़ कोल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अब आप को किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास हो रही है ना उसको आप कंप्लीटली क्लियर देख रहे हो देन वी कैन इट एज एन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली आर नॉन एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट अब जिस ऑब्जेक्ट से हम देख तो सकते हैं हियर यू कैन सी दिस हैंड बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली क्लियर हम कम्प्लीटली क्लियर नहीं देख सकते देन इट इज़ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हियर सम ऑब्जेक्ट्स आर गिवन दिस वन इज़ अ ग्लास अगर ये ग्लास जो है उसके अंदर कुछ भी आप फील करोगे तो वह दिखता है क्लियरली सो वी कैन क्लासीफाई इट एज ट्रांसपेरेंट वन दिस वन वुड बी ऑपैक दिस बलोन इज ऑल्सो एन ऑपैक ऑब्जेक्ट दिस वन इज ऑल्सो एन ऑपेक ऑब्जेक्ट वॉल इज़ एन ऑपेक ऑब्जेक्ट दिज लाइट यहाँ से बल्ब अगर आप ऑन करोगे तो अगर वो ये कलरफुल है देन इट वुड बी ट्रांसल्यूसेंट बट ऊपर का अगर जो ग्लास है वो पूरा वाइट कलर जैसा है मतलब ट्रांसपेरेंट है देन उसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे गूगल्स एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बिकॉज उसमें से दिखता तो है बट कम्प्लीटली क्लियर नहीं दिखता है इफ़ ग्लास इज कलरफुल बुक इज़ एन ऑपेक इवन डोर इज एन ऑपेक्ट एंड यहाँ पर सेट स्क्वेयर दिया है लास्ट में ये ट्रांसपेरेंट होता है बट अगर कलरफुल सेट स्क्वेयर है देन इट वुड बी एन ऑपेक्ट नेक्स्ट वन इज शेडोज अब आप कहीं पर भी जाओगे तो आपका शेडो जो है ना वो आपके साथ ही चलता है राइट तो ये शेडो फॉर्म कैसे होता है एंड वॉट अबाउट दाइट ऑफ द शेडो ये शेडो जो है उसके बारे में अब इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है नाव लेट्स डिस्कस वन एक्टिविटी नाउ वन बाई वन होल्ड ईच ऑफ द ऑपेक ऑब्जेक्ट इन द सन लाइट स्लाइटली अबाउ द ग्राउंड अब आपको क्या करना है सनलाइट में जाना है और वन बाई वन ऑपेक ऑब्जेक्ट जो है ना वो रखने हैं तो क्या होगा ग्राउंड के ऊपर आपको कुछ दिखेगा क्या दिखेगा यू नो दैट द डार्क पेज फॉर्म बाई ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इच्स शेडो अब क्या होगा डार्क एक पेज जो है ना वो ग्राउंड के ऊपर आएगा जिसको हम शेडो बोलते हैं लाइक दिस गर्ल इज स्टेंडिंग ऑन दी ग्राउंड एंड इट्स डे टाइम सो सनलाइट अवेलेबल है सो so इसका शेडो जो है ना वो यहाँ पे आएगा स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड होल्ड अ फेमिलियर ऑपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट सो दैट इट शेडो इज फॉर्म ऑन द शीट ऑफ द पेपर ऑन द ग्राउंड इवन यू कैन डू वन थिंग कि एक आपको पूरा शीट लेनी है पेपर की व्हाइट कलर की उसको आप ग्राउंड के ऊपर रख दो तो. फिर आपको जो फैमिलियर ऑब्जेक्ट है मीन्स जिस ऑब्जेक्ट को आप जानते हो ना उसी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे रखो तो उसका शेडो जो है ना वो फॉर्म होगा इवन उसका शेडो किस टाइप का है वो आपको इजीली पता चलेगा इवन देर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स जिसको हम शेडो से ही आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा लाइक इफ वन ऑब्जेक्ट इज ओवर हियर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है सिलेंडर है अगर सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से आएगी तो उसके बैक साइड में जो है वो शेडो क्रिएट होगा अगर ये पूरा ग्राउंड पे है उल्टा ऐसे है तो ग्राउंड के ऊपर ये शेडो आएगा एंड यू शुड रिमेंबर वन थिंग दैट शेडो इज ऑलवेज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट अगर यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है तो शेडो है वो इस साइड होगा अगर यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है और ऑब्जेक्ट इन बिटवीन है तो उसके बैक साइड जो है वो शेडो फॉर्म होता है सो so यहाँ पे अगर शेडो है तो सनलाइट डेफिनेटली इस पोजीशन के अंदर कहीं पे होगा इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ अडो अगर हमें शेडो फॉर्म करना है शेडो को अगर ऑब्जर्व करना है देन वॉट डू वी नीड वी नीड सोर्स ऑफ लाइट अंधेरे में कभी शेडो देखा है आंसर वुड बी डेफिनेटली नो बिकॉज अगर सोर्स ऑफ लाइट प्रेजेंट नहीं है दैन शेडो कैन नॉट बी फॉर्म्ड इवन इफ यू टेक एनी ऑपेक ऑब्जेक्ट दैन ओनली शेडो कैन बी फॉर्म ट्रांसपेरेंट जो है उसका शेडो उसमें से सनलाइट जो है वो पास हो जाएगी तो शेडो उतना क्लियर नहीं होगा एक्टिविटी नंबर टू इन द इवनिंग टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ यू होल्ड द टोर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस अब आपको क्या करना है इवनिंग के अंदर ना एक पूरे ओपन ग्राउंड के अंदर जाना है साथ में एक टोर्च और एक बहुत बड़ा कार्डबोर्ड लेके जाना है देन वॉट यू शुड डू एक फ्रेंड को खड़े रखना है उसके फेस के ऊपर या तो उसके कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट के ऊपर आपको क्या करना है कि जो लाइट है ना वो उसके ऊपर फॉल होनी चाहिए इफ There were no trees. The light from the torch is not able to pass through his body to the other side. This does not mean that there is no shadow. Now, ट्री नहीं है या कोई भी एक स्क्रीन नहीं है फॉर्म नहीं हो रहा है तो एनवायरमेंट के अंदर जो पूरी लाइट होती है ना वो स्प्रेड हो जाती है तो शेडो जो है ना वो फॉर्म नहीं होता है इट डजन मीन कि वहाँ पे शेडो नहीं है बट शेडो के फॉर्मेशन के लिए जो एक स्क्रीन चाहिए दैट स्क्रीन इज नॉट अवेलेबल दैट्स वाई हम शेडो नहीं देख सकते हैं नाउ टू चेक वेदर द शेडो इज एक्चुअली देर और नॉट हमें क्या करना है लेट्स डिस्कस नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड यू विल सी द शेडो अब आपके जहाँ जिस फ्रेंड के ऊपर आप लाइट जो है ना वो एमिट कर रहे हो ना दूसरे फ्रेंड को उसके जस्ट पीछे खड़ा करना है और आप लाइट सामने से कर रहे हो राइट तो उसके एग्जैक्टली पीछे ही शेडो फॉर्म होगा तो वहाँ पर आपको शेडो दिखेगा ही यू कैन सी यहाँ पर एक फ्रेंड है उसने इसके ऊपर जो लाइट है वो टोट से लगाई तो क्या हुआ इसका शेडो जो है वो ये स्क्रीन के ऊपर होगा बट इफ दिस इज नॉट प्रेजेंट यहाँ पे अगर कोई स्क्रीन नहीं है तो लाइट पूरी एटमोस्फियर में स्प्रेड हो जाएगी शेडो जो है वो फॉर्म नहीं होगा द शेडो कैन बी सीन ऑनली ऑन अ स्क्रीन तो शेडो जो है वो ऑलवेज स्क्रीन के ऊपर ही दिखता है अगर आप खड़े हो और आप डे टाइम में देखोगे ना तो ग्राउंड के ऊपर शेडो होता है वाइट इज सो बिकॉज सन इज एट द टॉप पोजिशन एज़ आई एक्सप्लेन यू कि जहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर सन जो शेडो है वो फॉर्म होता है सन जो है वो टॉप पे है तो शेडो जो है वो ग्राउंड पे आता है शेडो गिव्स अस सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर आप शेडो को देखोगे ना तो हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो कैसा होगा समटाइम्स शेडो कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ दी ऑब्जेक्ट बट एवरी टाइम इट इज़ नॉट कम्पल्सरी दैट वी कैन आइडेंटिफाई द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी शेडो शेडो से ऑलवेज हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं येस ऑब्जेक्ट देख के शेडो कैसा होगा दैट वी कैन कंक्लूड बट शेडो देख के कौन सा ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली exactly पता नहीं चलेगा कई बार हम गलत हो सकते हैं देर माइड बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड ऐसे कैसे गलत हो सकते हैं ऐसे कैसे पता चला ना हैव अ लुक यहाँ पर क्या है एक्चुअली दिज आर हैंड्स ऑफ अ पर्सन राइट ये दो हैंड है ना उससे क्या किया देखो यहाँ पर रेबिट फॉर्म किया है सिमिलरली बुल फॉर्म किया है बट इज़ इट एक्चुअली अ बुल इज़ इट एक्चुअली अ वोल्फ तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है ना वो फिंगर्स की हेल्प से है एंड इट सेम्स कि यह एक्चुअल में रेबिट है या एक्चुअल में बुल है शेडो देख के आप शायद यही बोलोगे कि येस यहाँ पे कोई एनिमल है बट रियली really वहाँ पे एनिमल नहीं है वहाँ पे एक्चुअली हैंड्स है सो so हम एग्जेक्टली exactly शेडो जो है उसको देख के ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बता सकते माइट बी पॉसिबल आवर आंसर कुड बी रॉन्ग एक्टिविटी नंबर थ्री प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे नाव यू शुड टेक अ चेयर और आप किसी भी ओपन ग्राउंड पर लेके जा सकते हो बट इट शुड बी अ सनी डे सनलाइट शुड बी प्रेजेंट ना वॉट यू व चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटल द शेप ऑफ द शेडो चेंज अब अगर आप चेयर को यहाँ से वहाँ आप उसकी पोजिशन चेंज करोगे तो शेडो का जो शेप है वो चेंज होगा बिकॉज चेयर जो है वो सन के सामने जो पोजिशन पे आएगी अकॉर्डिंगली उसका शेडो जो है वो फॉर्म होता है When you move the chair around, you may see that the size and shape of the shadow changes. Agarap chair ko puri rotate then So shape as well as size dono change hota hai, that you can observe. And if you observe the shadow of yourself, then you would realize that your shadow is completely different in the morning and in the afternoon. द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ द शॉर्टेस्ट इन आफ्टरनून वाई इट इज़ लॉन्गेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग एंड इन ईवनिंग शेडो जो है ना वो अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग में लॉन्गेस्ट होता है बिकॉज सन जो है ना वो एग्जैक्ट आपकी टॉप पोजिशन पर नहीं होता है बट इन द आफ्टरनून टाइम ऑलमोस्ट अराउंड ट्वेल्व ओ क्लॉक सन जो है वो एग्जैक्टली हमारे ऊपर होता है सो so जो वो शेडो होता है वो शॉर्टेस्ट होता है so we can say that if we change the position of any object or if we change the position of the light then size and shadow of the object would be different agar aap सामने हो तो कुछ different उसका shape and size होगा और अगर आप move करते हो या तो source of light जो है वो move करती है तो shadow का shape and size जो है वो completely change हो जाएगा नेक्स्ट वन इज अ पिन हॉल कैमरा वॉट इज अ पिन हॉल कैमरा एंड हाउ टू मेक इट लेट्स डिस्कस वन मोर एक्टिविटी टेक टू बॉक्सिस सो दैट वन कैन स्लाइड इन टू द अनदर विथ नो गैप इन बिटवीन दैम अब हमें दो बॉक्सेज लेने हैं एक दूसरे के अंदर स्लाइड होने चाहिए बट गैप नहीं होना चाहिए एयर नहीं आनी चाहिए दिज आर टू बॉक्सिस दिस वन इज़ द बिगर वन दिस वन इज स्मॉलर वन देन कट ईच वन ऑफ बॉक्स साइड ऑफ द बॉक्स ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्ज बॉक्स मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल अब दोनों बॉक्स का क्या करना है एक साइड को कट करना है दिस वन इज कट साइड यहाँ पे कट किया हुआ है एंड लार्जर जो बॉक्स है उसमें एक छोटा सा बैक साइड एक होल बनाना है एंड इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट ऑफ द मिडल स्क्वायर विथ साइड ऑफ अबाउट फाइव टू सिक्स सेंटीमीटर यहाँ पर फाइव टू सिक्स सेंटीमीटर जो है उतना कट करना है कवर दिज ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विथ ट्रेसिंग पेपर अब क्या करना है कि इसको ना कवर करना है पूरा ट्रेसिंग पेपर से ये दोनों साइड फ्रंट साइड्स को ये दोनों हो गए कवर लाइक दिस ये दोनों एक दूसरे के अंदर गए और ये फ्रंट साइड जो है वो बॉक्स का कवर हो गया ट्रेसिंग पेपर से नाउ लाइक द स्मॉलर बॉक्स इन साइड द लार्ज वन विद द होल इन सच अ वे दैट द साइड विथ द ट्रेसिंग पेपर इज इन साइड फ्रेसिंग पेपर वाली जो यहाँ पे आपने लगाया है वो अंदर के साइड रहनी चाहिए और आपको जो स्मॉलर बॉक्स है ना उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है स्लाइड करके होल्डिंग द पिन हॉल कैमेरा लुक थ्रू द ओपन फेज ऑफ द स्मॉलर बॉक्स अब आपको क्या करना है स्मॉलर बॉक्स का जो ओपन फेज है ना जहाँ से ओपन है पूरा वहाँ से आपको देखना है नाउ ट्राई टू लुक एट सम समिटेंट ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पीन हॉल कैमरा अब आपको पिनहोल कैमरा से क्या करना है दूर का एक ऑब्जेक्ट जो है वो देखने की ट्राई करनी है लाइक एक बड़ा सा बिल्डिंग है या तो ट्री है यू कैन ऑब्जर्व एनी थिंग देन वॉट वुड यू ऑब्जर्व मूव द स्मॉल स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड स्मॉलर बॉक्स के पीछे के साइड जहाँ पे हमने एक बॉक्स जैसे कट किया था रेक्टेंगुलर शेप में वहाँ पे एक ट्रेसिंग पेपर है वहां पे इमेज फॉर्म ना होना तब तक आपको इंटरनल जो इनसाइड जो स्मॉलर बॉक्स है ना उसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करना है इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज अपसाइड डाउन अब आप देखोगे इमेज फॉर्म हुई है बट वो कैसे फॉर्म होती है वो अपसाइड डाउन फॉर्म होती है मतलब आपको उल्टी दिखेगी इमेज यू कैन सी द सन विथ पीन हॉल कैमरा आप पिनहॉल कैमरा से सन को देख सकते हो और डिस्टिंग जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो क्लोजर है ऐसा दिखता है इवन यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ द पीन हॉल कैमेरा टू ऑब्जर्व सन ड्यूरिंग द एक्लिप्स एक्लिप्स के टाइम पे सन जो है वो उसकी एग्जैक्टली exactly पोजिशन कैसी है शेप कैसा है वो कैसे हाइड होगा ये सब आप ऑब्जर्व कर सकते हो नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन बट आपको सन के सामने डायरेक्टली नहीं देखना है एक्लिप्स के टाइम बिकॉज उसके अंदर से बहुत सारे हार्मफुल रेज होते हैं जो हमारी आइस के लिए काफ़ी नुकसान कारक होता है द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज द पिनहॉल कैमरा अगर आपने ट्री देखे ना तो ट्री के ऊपर जब सनलाइट आती है तब ऐसे आपने नीचे पैचेस देखे होंगे और इन बिटवीन जो सन रेज है ना उसकी वजह से वहाँ पे राउंड शेप के आपको देखते हैं सो वी कैन से जो ट्री है ना वो पिन होल की तरह एक्ट करता है सन जो है उसका स्मॉलर इमेज आपको ग्राउंड पे देखने को मिलता है हियर यू कैन सी जहाँ पे आपको लाइट दिख रही है ना ये पिन होल कैमरा की तरह ट्री वर्क करता है दैट्स वाई यू कैन सी सन लाइट लाइक दिस नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी नंबर फाइव लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट एंड ऑफ द रूम नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप अब आपको एक कैंडल लाइट करनी है टेबल के ऊपर उसको फिक्स करनी है देन आपको एक स्ट्रेट जो है ना वो पाइप लेना है उसके थ्रू आपको कैंडल को देखना है नाउ बैंड द पाइप लिटल वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल यू वॉन्ट बी एबल टू सी द कैंडल अब आपने पहले कैंडल को ऑब्जर्व किया राइट अब आपको थोड़ा सा ये बैंड कर देनी है पाइप को देन वॉट यू नीड टू डू वापस कैंडल को ऑब्जर्व करो आपको कैंडल नहीं दिखेगी वॉट डज इट इंडिकेट दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रावल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन लाइट जो है ना वो स्ट्रेट लाइन से ही पास होती है सो so यहाँ पे क्या हुआ स्ट्रेट लाइन से पास हुई यहाँ पे कर्व फॉर्म हो रहा है सो यू कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट वैन एन ऑपेक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इट अ शेडो इज फॉर्म अब जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रेक्ट होता है ना ऐसे तब उसका शेडो फॉर्म होता है नाउ मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन यू मस्ट हैव सीन इन द मिरर मैनी टाइम्स राइट बहुत बार देखते हो ना जस्ट मैनी टाइम्स इवन इन अ डे और इवन इन आर इन एन आर अगर आपको कोई फंक्शन में जाना है तो एक टाइम में मतलब कितनी बार देख लोगे बार बार देखते हो मिरर के अंदर तो ये मिरर के अंदर हमारी इमेज जो है वो कैसी होती है एंड वॉट इज रिफ्लेक्शन वी सी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ अवर फेस इन द मिरर हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो एक्चुअल में हमारा फेस नहीं होता है लाइक like आप खड़े हो तो आपका लेफ्ट एंड जो है और इमेज का राइट right एंड दोनों जो है ना वो राइट right बन जाएगा और आपका राइट right है वो इमेज में लेफ्ट दिखता है ही यू कैन सी इमेज इन अ मिरर वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वॉटर ऑफ अ पोन और अ लेक इवन रिफ्लेक्शन जो है वो आपको पानी के अंदर भी दिखता है नाउ लेट्स डिस्कस वन एक्टिविटी आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू होल्ड अ मिरर इन हीज और हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम आपके एक फ्रेंड को ना एक कॉर्नर पे खड़े रहना है और वहाँ पे उसके हाथ में एक मिरर होना चाहिए स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विथ अ टोर्च इन योर हैंड टोर्च लेके आप दूसरे कॉर्नर के अंदर खड़े हो जाओ देन कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन आपको कवर करनी है फिंगर से पूरा टॉर्च को और फिर टर्न ऑन करनी है एडजस्ट योर फिंगर विथ अ स्मॉल गैप बिटवीन देम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट अगर फिंगर्स के बीच में गैप होगा ना तो बीम ऑफ लाइट जो है वो फॉर्म होगा इट मीन्स लाइट जो है ना वो उतने एरिया के अंदर से ही पास होगी राइट नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ टोर्च सो दैट द पैच ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम अब आपको डायरेक्शन ऐसे टॉर्च की एडजस्ट करनी है ना कि जो ये लाइट है ना वो दूसरा एक फ्रेंड खड़ा है उसके सामने आनी चाहिए लाइक दिस यहाँ पे टॉर्च है यहाँ पे मिरर है यहाँ पे आपने एडजस्ट किया है बीम ऑफ लाइट तो इसका शेडो मिरर अगर यहाँ पे है तो मिरर पे पहले लाइट आएगी और इसका जो पैच है वो दूसरे एक फ्रेंड के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट होके आएगा नाउ व्हाट वी कैन से लाइट ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइंस एंड गेटिंग रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ मिरर यहाँ से लाइट स्ट्रीट लाइन में यहाँ पे आई यहाँ पे जैसे ही मिरर आया तो क्या हुआ मिरर जो है उससे लाइट यहाँ पे टकराती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके दूसरे एक फ्रेंड के ऊपर एक जो पैच है जो इमेज है वो फॉर्म होती है नाव एक्टिविटी नंबर सेवन फिक्स अ कॉम ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकोल शीट एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड अब आपको एक कॉम लेना है उसको क्या करना है कि एक थर्मोकोल की शीट के ऊपर फिक्स करना है और एक मिरर जो है वो दूसरे साइड फिक्स करना है स्प्रेड अ डार्क कलर शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम अब मिरर और कॉम के बीच में डार्क कलर का एक पेपर होना चाहिए जिसके ऊपर शेडो फॉर्म हो कीप दिस इन सन लाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टोर्च थ्रू द कॉम अब आपको क्या करना है इसके ऊपर लाइट जो है वो आएगी एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही आपने मिरर रखा है तो मिरर के अंदर जो कॉम्ब है ना उसका रिफ्लेक्शन होगा और जैसे ही आप उसके ऊपर सनलाइट डालोगे या तो टॉर्च से आर्टिफिशियल एक सोर्स ऑफ लाइट लगाओगे तो जो भी इमेज दिख रही है ना आपको मिरर के अंदर उसका भी रिफ्लेक्शन आप नीचे देखोगे ये वाला जो लॉन्गर रिफ्लेक्शन देख रहे हो ना दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉम्ब बट ये जो दूसरा वाला रिफ्लेक्शन जो स्लेंटिंग लाइन में है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर मिरर के अंदर जो इमेज है ना उसका रिफ्लेक्शन होके ये नीचे दिख रहा है सो फ्रॉम दिस टू एक्टिविटीज़ व्हाट वी कैन कंक्लूड कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर तो ट्रैवल करती है बट इवन वो मिरर से भी रिफ्लेक्ट होती है दैट्स वाई मिरर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका शेडो आपको नीचे दिखने को मिला वैन आपने उसके ऊपर सोर्स ऑफ लाइट जो है वो अवेलेबल किया सो I have explained you here entire chapter. Thank you.